आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के भोग के लिए आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले किशमिश को भिगो लेंगे क्योंकि इसमें काफी गंदगी होती है, और इसको साइड पर रख देंगे। बादाम को बारीक बारीक काट लेंगे। बादाम को हमने बारीक काट के रख लिया है और सूजी को भी हमने भिगो के रख लिया है। इसको अब हम साइड पर रख देते हैं। अब मैंने एक छोटा सा पतीला ले लिया है और मैंने कटोरी में 2 कप चीनी ले ली है। जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है उसी से ही पूरी रेसिपी में नाप रखेंगे हलवे का, क्योंकि इससे हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जैसे मैंने 2 कप चीनी ली है तो मैंने 4 कप इसमें पानी डाला है और 1 कुटी इलायची भी मैंने डाल दी है। अब हम इसको गैस पे चढ़ा लेते हैं। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, मगर हमें सिर्फ चीनी को ही मेल्ट करना है इस इलायची वाले पानी में। तो इसको पहले मेल्ट कर लेते हैं। इसको 1-2 बॉयल आएगा तो ये जो चीनी है ये सब पिघल जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पानी उबल गया है। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसको भी अभी हम साइड पे रख देते हैं। हमने इसकी चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, सिंपल चीनी को पिघालना है। तो अब मैंने घी भी मैंने 1 कोली लिया है और देसी घी लिया है मैंने। तो अब हम इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, आंच हमारी बिल्कुल स्लो है। अब उसी ही कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी सूजी भी ली है। आज जो हम सूजी का हलवा बना रहे हैं वो नवरात्रि भोग के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हमने घी का यूज काफी ज्यादा किया है। तो मैं आपको इस तरह से हलवा बनाना भी बताऊंगी जिसमें 1 चम्मच घी का ही इस्तेमाल होगा। वो मैं आज इसलिए हलवा बना रही हूँ घी वाला, क्योंकि आज हम नवरात्रि का भोग बना रहे हैं। अब स्लो हीट में हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है। इसको हमने छोड़ना नहीं है क्योंकि ये जल भी सकती है, तो इसको बीच बीच में हमें हिलाते ही रहना है और आंच स्लो रखनी है। 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, मगर आपका जो भोग है वो बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार होगा। इस हलवे का कलर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा और ये बहुत अच्छा भोग बनके तैयार होगा। तो ये देखिए सूजी हमारी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब आप देखेंगे कि इसका जो कलर है काफी चेंज हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे ताकि ये सूजी जले ना। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पानी गरम करके रखा है, चीनी और पानी का जो घोल बना के रखा है वो इसमें डालेंगे। गैस मैंने इसलिए बंद कर दी है क्योंकि जब सूजी उछलना शुरू हो जाती है, अगर आप इसमें गर्मा गर्म पानी डालेंगे तो उससे ना हाथ में लगने का भी डर होता है। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है, मगर हमने इसको स्लो ही पकाना है। अब उबाला आना भी शुरू हो गया है, तो आंच मैंने स्लो ही रखी है। स्लो में ही ये सूजी आस्ता आस्ता पकेगी पानी के साथ। तो इसको हिला लेते हैं। अब उबाला भी अच्छी तरह से आ रहा है, तो जो अब हमने किशमिश धो के रखी है वो अब हम इसमें डाल लेते हैं, और थोड़े से जो बादाम हमने चॉप किए हुए हैं वो इस स्टेज में डाल लेंगे, और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए भी रख लेंगे। तो अब इसको हिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब भी हमारी सूजी कच्ची ना रहे तो उसके लिए इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे। मैंने कुल मिला के 1/2 मिनट के लिए इसको कवर किया था, ज्यादा नहीं कवर किया क्योंकि सूजी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये कितनी खिली खिली नजर आ रही है और कितनी फूली फूली नजर आ रही है। तो इस स्टेज में हमारा हलवा तो तैयार हो चुका है, फिर भी इसको थोड़ा सा दम और दे देंगे 1/2 मिनट के लिए। तो 1/2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा दानेदार हलवा बनके तैयार हो गया है। तो इसको अब हम गार्निश कर लेते हैं जो बचे हुए बादाम हमने
रखे हुए हैं ना, काट के उससे गार्निश कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना दानेदार हलवा और कितनी जल्दी बनके तैयार हो गया। कुल मिला के 8 से 9 मिनट लगे हैं इस हलवे को बनाने में। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरह से हलवा इसी रेशो से आप बनाएं तो कभी भी आपका हलवा खराब नहीं बनेगा। तो नवरात्रों में माता रानी को जरूर इस हलवे का भोग लगाएं। तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।